Hi everybody, this is anchor Anupama Singh and you're watching me on Glitter and Glamour. और बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट कॉन्सेप्ट पूरा बहुत अच्छा है. स्पेशली इनका मुंबई में ये जो ब्रांच खुल रहा है, मुंबई इज सिनोनिमस टू कटिंग चाय एंड सिनेमा. सो आई थिंक अब ज़्यादा खुशी है टू हैव इट इन मुंबई. आई नो. फीलिंग वॉज अमेजिंग. और अभी जब हम लॉन्च के लिए भी आ रहे थे तो बाहर बारिश हो रही थी. सो यही एक्साइटमेंट थी कि जल्दी से पहुँच जाएँ और फिर चाय इन्जॉय करें. एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ दे आर गिविंग अस वाइड वराइटी. चाय भी है, कॉफ़ी भी है, कोल्ड कॉफीज भी हैं. तो हाँ हाँ, तो क्योंकि हमारा जो देश है वो अब बदल रहा है थोड़ा, हमारा टेस्ट वेस्टर्न भी हो रहा है, इंडियन भी हो रहा है, तो कंप्लीट कॉम्बो है. एंड इट्स आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू बी यार. सो बाय प्रोफेशन लाइक एवरीबडी नोज आई एम इनटू बॉलीवुड होस्टिंग एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने हमारे देश के लगभग सारे नए से पुराने लोगों को इंटरव्यू किया हुआ है. सलमान, शाहरुख, आमिर, जितने भी हूसोएवर इज देयर. एंड आई वर्क विद सोनी एंटरटेनमेंट एशिया एंड आई डू कॉर्पोरेट शोज एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू होस्ट द बिगेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट शोज इन द कंट्री विद बिगेस्ट ऑफ द कंपनीज. एंड जब देश में पहला लाइव स्ट्रीमिंग ऐप आया था, जैसे डिजिटल का ज़माना है विच वॉज हैशटैग फेम, तो उनके साथ मैंने फर्स्ट लाइव डिजिटल टॉक शो शुरू किया था, इवन बिफोर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर. तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनका फर्स्ट टाइम जो लाइव एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ था, क्योंकि उससे पहले उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था लाइव जाने का. जैसे कि दर्शन रावल, अरमान मलिक, फॉर दैट मैटर सरोज खान जी. और सरोज खान जी को मैंने, जो हमारी मास्टर लेजेंडरी कोरियोग्राफर है, और सरोज खान जी को मैंने इंटरव्यू किया था, उनके बेटे जो कि इज ऑल्सो अ क्लास कोरियोग्राफर, राजू खान जी, विथ सरोजीज ग्रैंड डॉटर. तो उन्होंने कहा था कि हम तीनों ने एक साथ कभी इंटरव्यू नहीं दिया. सो आई हैव हैड सच प्रिविलेज ऑफ इंटरव्यूइंग लेजेंड्स ऑफ आर कंट्री. सो या, दैट्स इट. येस, द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग. जैसे आई हैव मेट अमित जी पर उनको इंटरव्यू नहीं किया, आई हैव टॉक टू रेखा जी पर उनको इंटरव्यू नहीं किया है. सुष्मिता सेन, आई थिंक शी इज़ एवरीबडीज फेवरेट. एंड ओपरा विनफ्रे, शी इज़ बिन माई पर्सनल आइडल एज अ होस्ट एंड एंकर. सो या, आई वुड लव टू इंटरव्यू दीज पीपल. एंड बहुत सारे कॉमन लोग भी, क्योंकि हम ही वो हीरो हैं जिंदगी. हम सब आम जिंदगी में इतनी चीज़ों से गुजरते हैं, लड़ते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, चाय इन्जॉय करते हैं, बारिश होती है, चाय पकौड़ों पे आ जाते हैं. सो आई थिंक आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग वेयर आई वुड लाइक टू इंटरव्यू कॉमन पीपल एंड देयर जर्नी. येस, आई थिंक ये मेरा फेवरेट हैंग आउट पॉइंट होने वाला है. और जैसा कि हमारी इंडस्ट्री के लोग बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पसंद करते हैं और ग्रुप के साथ हैंग आउट करना पसंद करते हैं, सो आई थिंक वॉट अ बेटर प्लेस देन दिस प्लेस. जियोलॉजी, थैंक यू. हाँ, सोचो अगर अमिताभ बच्चन आए यहाँ पे और हम उनके साथ बैठ के ये डिस्कस करें कि वो, मतलब कि चाय और पकौड़ों पे बैठ के अमित जी से हम उनके ज़िंदगी की बात करें, या रेखा जी के साथ यहाँ पे चाय पे बैठ के हम पूछें कि वाकई वो मोहब्बत के बारे में क्या सोचती हैं, या मतलब सोचो यार, आई मीन इमेजिन वी मेक ऐश्वर्या राय सिट हियर और उनसे पूछें कि आपके ब्यूटी सीक्रेट्स क्या हैं, या सुष्मिता सेन से पूछें कि मतलब आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, तो क्या एक्सपीरियंस हो गया ना, लाइक चाय पे जो चर्चा होगी वाकई अबाउट लाइफ एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक दैट वुड बी फिनोमिनल. यस, सो दिस इज एक्सक्लूसिव टू ग्लिटर एंड ग्लैमर. आई एम गोइंग टू कम अप विथ अ प्रोजेक्ट, जो कि मेरी आदत है प्रोजेक्ट होने से पहले उसे सीक्रेट रखने की. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ टॉक शो जिसका नाम है रोमांसिंग लाइफ, एक कोशिश जिंदगी से मोहब्बत की, वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स कि कैसे जो लोग हैं, कॉमन लोग से लेके बड़े सेलिब्रिटीज़ तक, उनकी लाइफ की जर्नी के, हम उन आस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे
no matter what has happened with them, but they ended up being in love again. और ज़िंदगी में वापस कैसे यकीन किया और वापस ज़िंदगी से मोहब्बत कैसे की जब लाइफ आपसे सारी एक्साइटमेंट छीन लेती है. तो वो कॉन्सेप्ट है विच आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट वेरी सून एंड होपफुली वो इंटरव्यूज़ आप यहाँ पर शूट होते हुए देख सकते हैं और चाय साथ में हम चाय इन्जॉय करेंगे और ये कॉन्वर्सेशन सुनेंगे.